जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों भी हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने मध्य एशिया के अपने समकक्षों के साथ दोस्तों एक मुलाकात की, जिसमें कई मध्य एशियाई देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोस्तों शामिल हुए। इस मुलाकात में जहां कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई, वहीं दूसरी ओर पूरे विश्व की निगाहें दोस्तों इस पर बनी हुई हैं और कई सारे निहितार्थ इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि इस मीटिंग में क्या क्या हुई खास बातें, क्यों मध्य एशिया जरूरी है भारत के लिए और क्यों भारत जरूरी है मध्य एशिया के लिए और क्यों पूरा विश्व इस मीटिंग की ओर दोस्तों देख रहा है। आइए इस पूरे वीडियो में जानेंगे हम लोग, एंड तक जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ था जब इन सभी मध्य एशियाई देशों जिसमें शामिल थे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और दोस्तों तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी देश शामिल थे। इन सभी देशों के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे वो भारत में दोस्तों आए हुए थे और भारत के अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनकी अध्यक्षता में इन सभी देशों ने एक मीटिंग दोस्तों की है। इससे पहले आपको बता दें कि अभी जनवरी 2022 में भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल एशियाई देशों के अपने समकक्षों के साथ दोस्तों एक मुलाकात की थी, जो एक वर्चुअल समिट रही थी। इसमें काफी गंभीर मुद्दों पर चर्चा पहले भी की जा चुकी है। दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें तो जान लेते हैं कि इस मीटिंग की क्या क्या हाईलाइट थी और क्या गंभीर बातें, क्या महत्वपूर्ण बातें हमें जाननी है वो इस मीटिंग की एक बार जान लेते हैं। सबसे पहली बात 30th एनिवर्सरी। जी हाँ, इस मीटिंग को दोस्तों देखा जाए तो भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच में जो बायलैटरल टाइज हैं उनकी 30 साल पूरे होने की एनिवर्सरी के रूप में दोस्तों यहां पर देखा गया और दोनों ही जो ग्रुप है, भारत और मध्य एशिया, दोनों ही ग्रुप के देशों के बीच में जो संबंध है उनको और प्रगाढ़ करने की यहां पर बात दोस्तों की गई है और उनको मजबूत करने की बात यहां पर की गई है। अगर बात करें हम लोग कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान की, तो इनके जो एनएसए हैं वो पहली बार इसमें दिल्ली में दोस्तों मौजूद थे और बहुत ही हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग दोस्तों ये रही है, जिसमें कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा भारत ने मध्य एशियाई देशों और मध्य एशिया के देशों ने भारत के साथ दोस्तों पर की है। दोस्तों अगर बात करें इस मीटिंग की तो सबसे मुख्य जो चर्चा का विषय रहा है वो है अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान दोस्तों मध्य एशिया और भारत के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो गंभीर परिणामों की तरफ दोस्तों इन दोनों को ले जा सकता है। जी हाँ, जिस प्रकार से अफगानिस्तान में इस समय पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी चल रही है, जहां पे तालिबान ने कब्जा किया हुआ है, तालिबान ने वहां पे सरकार बना ली है और बाकी वहां की सरकार को वहां से हटा दिया है, तो ऐसे मौके पे अब आगे आने वाले समय में क्या भविष्य रहने वाला है, इस पर दोस्तों मुख्य बात यहां पर की गई इन दोनों ही ग्रुप के बीच में। साथ ही साथ तालिबान जैसा कि हम जानते हैं कट्टर सोच का एक प्रतीक है, उनके जो लोग हैं वो कट्टरवादी सोच के प्रतीक हैं, तो क्या वहां से टेररिज्म दोस्तों बढ़ सकता है, क्योंकि अगर वहां से बढ़ता है टेररिज्म तो सीधे सीधे मध्य एशिया के देशों और भारत पर उसका प्रभाव दोस्तों पड़ने वाला था। इसीलिए अफगानिस्तान और उसकी स्थितियों पर इस मीटिंग में मुख्य रूप से चर्चा की गई है और वो चर्चा भी दोस्तों कहीं ना कहीं आतंकवाद और टेररिज्म को रोकने के संबंध में दोस्तों की गई है। इसके साथ साथ दोस्तों चाबहार जो हमारा जो पोर्ट है, चाबहार जो हमारा बंदरगाह है जो कि ईरान में है, उसके ऊपर भी यहां पे बातचीत की गई है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ अगर हम देखें तो चाबहार पोर्ट अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। साथ ही साथ जो हमारे मध्य एशिया के देश है उनके लिए भी चाबहार पोर्ट जो है वो बहुत सहायता कर सकता है माल पहुंचाने में और बाकी चीजों करने में। इसीलिए इस मीटिंग में कहा गया कि जो हमारा चाबहार बंदरगाह है उसको INSTC का मेंबर बना दिया जाए, यानी INSTC में उसको लेके आया जाए। ये INSTC क्या है आपको पीछे मैप में दिख रहा होगा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसके अंतर्गत दोस्तों नॉर्थ सी, ब्लैक सी, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान और बंदर अब्बास को दोस्तों यहाँ पे जोड़ा जाता है। इन सभी को जोड़ते हुए ये दोस्तों हमारा कॉरिडोर जो है बनता है। इसी में शामिल करने की बात की गई कि भाई जो हमारा चाबहार बंदरगाह है उसको इसमें शामिल दोस्तों किया जाए। इसके अलावा दोस्तों यहां पर कुछ और बातें भी की गई हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से बढ़ाया जाए मध्य एशिया और भारत के बीच में उसकी बात की गई है। साथ ही साथ किसी भी तरीके से जो नई तकनीक आ रही है, नई जो बेहतरीन तकनीकें आ रही हैं उनका मिसयूज ना होने दिया जाए अपने अपने देशों में, इसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं ये बात दोस्तों की गई है, ताकि जो हमारे मध्य एशिया के देश है वो अपने देशों में इस प्रकार की नई तकनीक को गलत इस्तेमाल करने से रोक पाए और खुद भी इन तकनीकों के गलत प्रभावों से बच पाए, इस प्रकार की बात यहां पे की गई है। साथ ही साथ साइबर स्पेस, साइबर स्पेस में जो एब्यूसिव हो रही है, साइबर स्पेस में जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, इसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग कैसे रोका जाए,
आर्म्स की ट्रफिंग जो हो रही है उनको कैसे रोका जाए, और जो विभिन्न तरह के और मुद्दे हैं जिनसे ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं उनको किस प्रकार से यहाँ पर रोका जाए, उन सब की बात दोस्तों इस मीटिंग में यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हैं उनका कैसे यूज बढ़ाया जाए और उनको कैसे अपने देशों में गलत प्रभाव से, निगेटिव प्रभाव से रोका जाए, इन सब की बात दोस्तों यहाँ इस मीटिंग में की गई है। और इसके अलावा इस जो मैकेनिज्म है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड की उसको भी यहाँ पर दोस्तों बात की गई है कि उसको भी यहाँ पे किया जाए जिससे मध्य एशिया और भारत के बीच में नए संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाए। दोस्तों आइए बात करते हैं कि भारत और मध्य एशिया किस प्रकार से आपस में संबंध रखते हैं, किस प्रकार से उनके संबंध जो है वो बहुत पुराने और बहुत मजबूत हैं। तो मैप पीछे आप देख रहे होंगे, इस मैप में आपको दिख रहा होगा कि मध्य एशिया के देश देखिए किस तरीके से भारत से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ बात करें भारत की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की, तो ये सभी लोग दोस्तों लैंड बाउंड्री से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और भारत का जो पीओके क्षेत्र है वो पीओके क्षेत्र जो है वो एक ऐसी जगह है जो मध्य एशिया के देशों से सीधे भारत को दोस्तों जोड़ती है। हालांकि उस पीओके पर पाकिस्तान का भी कब्जा है, हमारे अंदर में वो नहीं है लेकिन हिस्सा वो भारत का ही है। जैसे ही हम उस पर वापस को लेंगे तो हमारा मध्य एशिया से सीधा कनेक्शन दोस्तों वहां पे बन सकता है। इसीलिए अगर हम बात करें हिस्टोरिक टाइम की तो दोस्तों जो सिल्क रोड है, ग्रेट सिल्क रोड है, पुराना सिल्क रोड है, वो दोस्तों मध्य एशिया और भारत से पूरा संबंध रखता है। सिविलाइजेशनली भी दोस्तों हम लोग जो है मध्य एशिया के देशों से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं। फरगना वैली के नाम आपने सुना होगा जो भारत के लिए क्रॉसिंग पॉइंट दोस्तों बन जाता है। इसके अलावा बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म के भी दोस्तों बहुत सारे हम लोग देखते हैं सेंट्रल एशियन क्षेत्र में बुद्धिज्म के दोस्तों वहां पे सिंबल मिलते हैं, प्रतीक मिलते हैं, और वो दोस्तों भारत से संबंध अपना बताते हैं कि यहाँ पर बुद्ध थे, वहां पर भी किसी जमाने में बुद्ध थे और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, जिससे यहाँ पर सभ्यता का जुड़ाव दोस्तों महसूस होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अमीर खुसरो की, देवली की, अलमरूनी की, ये सभी लोग दोस्तों जो भारत में फेमस रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया से ही दोस्तों इनकी जड़ें जुड़ी हुई थी। दोस्तों अगर डिप्लोमेटिक टाइज की बात करें तो सेंट्रल एशियाई देश बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। मैं आपको बता दूं कि देखिए इस समय क्या है कि भारत का जो मुख्य विरोधी है वो पाकिस्तान से हटकर अब चीन हो गया है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि अब उसे कोई पूछ नहीं रहा, कोई उसे डर नहीं रहा, कोई उसे तवज्जो नहीं दे रहा, तो पाकिस्तान को तो आप अलग करिए, अब चीन हमारा मेन काउंटर पार्ट है। लेकिन खास बात यह है कि इसी वजह से पाकिस्तान हमारे लिए ज्यादा बड़ा खतरा बन गया है क्योंकि वो अब कहीं कुछ कर नहीं पा रहा। इसीलिए हमें मध्य एशियाई देशों का सपोर्ट बहुत चाहिए ताकि हम अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान को यहाँ पर कंट्रोल हम लोग कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान इस छटपटाहट में भारत का कोई बड़ा नुकसान कर दे या मध्य एशिया के देशों के संपर्क में आ जाए, कहीं ऐसा ना हो। इसीलिए मध्य एशिया के देशों से हमारा संपर्क दोस्तों बहुत जरूरी है। आप एक बार मैप में देखिए, जो मैप मैंने दिखाया आपको कि पाकिस्तान के ऊपर सारे जो है हमारे वो देश है मध्य एशिया के, अगर उनसे भारत का अच्छा कनेक्शन होगा तो नीचे भारत है, ऊपर हमारे मित्र देश है, तो पाकिस्तान कहीं भी कुछ भी हमारे लिए बुरा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए हमारे मध्य एशियाई देशों के साथ। और इसीलिए आपको बताना चाहूंगा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी एससीओ जो है, उसमें दोस्तों ये सारे देश जो है वो पार्टी पार्ट मतलब मेंबर है और उसमें दोस्तों भारत का समय रखते हैं, भारत का मंच साझा करते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि पाकिस्तान का जो खतरा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो खतरा है, वो दोस्तों काफी हद तक दूर होगा अगर हम लोग मध्य एशिया के साथ बड़े मौकों पर साथ रहते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा देखिए टेररिज्म से जो लड़ाई हमें करनी है उसमें मध्य एशिया के देश हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं और कहीं ना कहीं सिमिलर अप्रोच भी दोस्तों वो अपना सकते हैं भारत के साथ मिलकर, क्योंकि जो मध्य एशिया के देश हैं वो भी विकासशील देश हैं, उनको भी डेवलपमेंट चाहिए, वो भी कट्टरवादी सोच से अलग हटकर दोस्तों बात करना चाहते हैं और इसीलिए भारत के लिए वो कहीं ना कहीं दोस्तों फायदेमंद साबित होते हैं कि वो भारत के साथ रहे और भारत की जो चीजें हैं, भारत के जो रूल्स हैं या भारत के जो फायदे वाली चीजें हैं वो मध्य एशिया से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें भी मध्य एशिया का एक बेहतरीन सहयोगी दोस्तों बनना होगा। दोस्तों जो यूएन कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म है वहां भी दोस्तों हमने बात की है, वो भी दोस्तों हमने देखा है कि वहां भी इंडिया जो है पहली बार 1996 में प्रपोज किया था इंडिया ने, ये वाला जो मीटिंग था उसके बाद दोस्तों यहां पर जो है जो प्राइमरीली जो ओवर डिफरेंसेस हैं उनको हमेशा हम देखते रहे हैं और हमने जो टेररिज्म की डेफिनेशन है वो दोस्तों यहां पर दिखाई दी है। दोस्तों अगर यहां पर बात की जाए कि अफगानिस्तान में सिचुएशंस में कि इंडिया का वहां पे क्या रोल होता है, तो बड़ी सिंपल सी बात देखी है।
पहले अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र था, भारत के टाइज अफगानिस्तान से बहुत बढ़िया थे, हमेशा भारत जो है वो अफगानिस्तान का सपोर्टर रहा है, अफगानिस्तान को एड यानी सहायताएं प्रोवाइड कराता रहा है, और अफगानिस्तान और वहां की जनता भी भारत के सपोर्ट में दोस्तों हमेशा रही है। लेकिन जब से वहां पे कट्टरवादी तालिबान का वहां पे जो है वो रूल आया है, शासन आया है, तब से लग रहा था कि भारत से उसके संबंध जो है टूट जाएंगे। भारत ने भी अपने वहां से सारे डिप्लोमेटिक जो ऑफिसर थे उनको बुला लिया था वापस, और वहां से लगभग लगभग हमारे संबंध जो है वो बिगड़ रहे थे, और अफगानिस्तान के ऊपर ही लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के समर्थन में जा सकता है। लेकिन भारत ने अपनी मदद लगातार जारी रखी और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत जारी रखी, जिससे अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार जो है वो भी अब भारत के सपोर्ट में है और पाकिस्तान से उसका पत्ता जो है वो कट चुका है, लगभग वहां पे कट चुका है। इसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे किसी और वीडियो में, जिसमें बताऊंगा मैं आपको कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या यहाँ पर जो है वो डिफरेंस है, क्यों इनके बीच में विवाद है, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में दोस्तों बताऊंगा। दोस्तों इसके साथ साथ अगर बात करें तो देखिए, रशिया चला गया, अमेरिका अब चला गया, अब अफगानिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए और उसके विकास के लिए कोई ना कोई ऐसा देश चाहिए जो विश्वासमंद भी हो, भरोसेमंद भी हो, और अफगानिस्तान के साथ साथ अपना भी दोस्तों वो आगे बना पाए। तो ऐसे मौके पर भारत जो है एक बेहतरीन सहयोगी यहाँ पर अफगानिस्तान का बन के दोस्तों आ सकता है और बहुत मजबूत रिलेशन हम लोग अफगानिस्तान के साथ बना सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो चाबहार पोर्ट पर, जैसे कि मैंने पहले कहा ईरान में हमारा चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट हमारा क्या करता है, चाबहार पोर्ट के द्वारा ही अफगानिस्तान तक बहुत सारी मदद पहुंचा सकते हैं। तो भारत ने उनके लिए भी बात की कि भाई हमारा जो चाबहार पोर्ट है, क्योंकि भारत ने पैसा लगाया है, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भारत के लिए चाबहार पोर्ट का चलना और उसकी सिग्निफिकेंस दोस्तों बहुत जरूरी है, तभी मध्य एशिया के देशों तक भारत की पहुंच दोस्तों बन सकती है। और इसीलिए भारत ने कहा है कि चाबहार पोर्ट जो है उसको आप जो हमारा अग्रवाल एग्रीमेंट है, या आप मैप में देख रहे होंगे ये सारे पोर्ट यहाँ पर दिए हुए हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट सप्लाई ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, इसी पूरे अकबर एग्रीमेंट में हमारा चाबहार पोर्ट भी शामिल हो, इसकी बात भी दोस्तों यहां पर की गई है। दोस्तों इसके अलावा देखिए मैं आपको बता दूं कि भाई तालिबान जब से आया है तब से मैंने कहा कि लग रहा था कि हमारी जो एड है, हमारी जो संबंध है वो गड़बड़ होंगे, लेकिन भारत ने अपनी मदद जारी रखी है और तालिबान जब से सरकार में आया है तब से इंडिया 1,00,000 टन गेहूं और बाकी दवाइयों की हेल्प दोस्तों ऑलरेडी अफगानिस्तान को यहाँ पे कर चुका है। तो ये दोस्तों देखने वाली बात है, भारत अपने टाइज मजबूत कर रहा है, और क्योंकि भारत को मालूम है कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया दोनों से ही भारत के संबंध दोस्तों महत्वपूर्ण है, आगे के भविष्य को देखते हुए और दोस्तों भारत की समय स्थितियों को भी देखते हुए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ थोड़े से थ्रेट्स भी हैं, कुछ थोड़े सी दिक्कतें भी हैं जो हो सकता है कि आगे चलकर भारत के लिए बड़ी समस्या दोस्तों बन सकती है, उस पर भारत को अभी ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फिजिकल कनेक्टिविटी ड्यू टू पाकिस्तान हॉस्टिलिटी। देखिए अफगानिस्तान ऊपर है, बीच में पाकिस्तान है और उसके बाद इंडिया है ना। अब अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी के लिए बीच में हमारे पास क्या है, पाकिस्तान है, जो कि हमेशा रोड़ा अपनाता है। आपने सुना होगा कि अभी पिछले दिनों जब भारत ने गेहूं पहुंचाए थे अफगानिस्तान में, तो पहले तो पाकिस्तान ने मना कर दिया कि भाई हम अपनी रोड का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जब उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आया तो बोला कि ऐसा करो अपना गेहूं जो है अपनी बॉर्डर पे ले जाओ, हमारे ट्रकों पर लोड करो और हम ट्रकों के माध्यम से जो है अफगानिस्तान पहुंचा देंगे। लेकिन बाद में पता लगा कि भिगमंगे पाकिस्तान ने उन ट्रकों को बीच में ही रोक लिया और अफगानिस्तान तक वो एड नहीं पहुंच पाई, आधी पर भी पहुंच पाई बाकी नहीं पहुंच पाई। तो ये थोड़ी सी कमी है कि हमें कनेक्टिविटी के लिए कुछ सोचना होगा यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ। दूसरी बात, अगर हम राजनीतिक रूप से देखें तो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, एक तरह से देखा जाए वहां पर आतंकवाद के जन्म लेने की संभावना बहुत ज्यादा है, चाहे वो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान तो आता है ही, इसके अलावा जो मध्य एशिया के देश हैं वो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो वहां पे आतंकवाद बढ़ने के चांसेस हैं, जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है वो दोस्तों वहां पे ज्यादा है, इसीलिए वो खतरे में दोस्तों रहता है, इसीलिए वहां के लोगों को भड़काना दोस्तों कहीं ना कहीं आतंकवादियों के लिए एक आसान अप्रोच भी दोस्तों हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो कहानी गड़बड़ जाती है। तो भारत को यहाँ पर इसके लिए कुछ सोचना होगा और एक स्टेबल एक फ्रेमवर्क यहाँ पर बनाना। सबसे बड़ा खतरा है चाइना, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो भी दोस्तों इसी रीजन से होकर गुजरता है, तो यहां पर अगर चाइना अपना कब्जा कर लेता है इन सभी देशों को, या किसी भी तरीके से चाइना इनको अपने अंडर में लेता है, तो फिर भारत के लिए बहुत मुश्किल खड़ी होने वाली है। तो ये दोस्तों भारत को समझना होगा और यहां से कुछ ना कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जिनसे भारत इन सबसे ऊपर आ पाए और भारत का जो रुतबा है वो इन देशों में दोस्तों बन पाए।
इसके अलावा जो अनबिल्ड करप्शन है इस पर भारत को कुछ सोचना होगा, जो गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल है दोस्तों, वहां पर भारत को जो है एक पावर हाउस, मतलब वो एक जगह ऐसी है जहां से भारत को निकलना दोस्तों होगा। वहां पर जो ड्रग है या मनी ट्रैफिकिंग है उसको रोकने के लिए भारत और मध्य एशिया देशों को मिलकर दोस्तों जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर करना होगा। तो ये दोस्तों खास बात है यहाँ पर जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, इसके लिए आपको यहाँ पर समझनी होगी चीजें। अगर ये चीज आप समझ पाते हैं तो यहाँ से आप पूरा मैटर समझ गए होंगे और एनएसए की ये मीटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है इसकी मायने आपको समझ में आए होंगे, है ना। चलिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहां पर मैं एंड करता हूं, मिलूंगा आपसे नई वीडियो में नेक्स्ट किस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए दिशा पब्लिकेशन का, इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आप सभी को जय हिंद।